आपने जो भी यहां बात कही कि प्रभु श्री राम जी की जन्मस्थली पर रामलला के विग्रह का की प्राण प्रतिष्ठा एक ऐसा मौका है कि जिसने समस्त संत समाज को हर्षित किया है और सनातन के विचार के लिए संत समाज फिर एक बार मोदी जी के पीछे खड़ा है और भारतीय जनता पार्टी को चुनकर लाना चाहता है। मैं तो ऐसा कहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए नहीं, सनातन की जीत के लिए प्रयास कर रहे हैं और सनातन की जीत के लिए आप सबने और ईश्वर ने उपकरण के रूप में मोदी जी को चुना है, इसलिए आप मोदी जी के पीछे खड़े हो। क्योंकि अब ये बात तो सिद्ध हो गई है कि सनातन के जो मैं ऐसा मानता हूं स्वर्णिम दिवस है उनको वापस लाने का काम, हम हमेशा ये कहते थे कि भारत ये विश्व गुरु है क्योंकि भारत ने हजारों वर्षों तक दुनिया को विचार दिया है, दुनिया को आचार दिया है, दुनिया को एक प्रकार से दिव्य ज्ञान दिया है, इसलिए भारत विश्व गुरु है और हम भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। आज से 10-20 साल पहले जब ये बात हम कहते थे तो लोग कहते थे कि भारत की परिस्थिति ऐसी है, इस परिस्थिति में कहां से विश्व गुरु की बात आप कहते हो। लेकिन आज भारत तो छोड़ दीजिए, दुनिया ये मानती है कि जिस प्रकार से भारत की प्रगति हो रही है, चाहे वो भौतिक प्रगति हो, चाहे आध्यात्मिक प्रगति हो, चाहे हमारा सनातन विचार हो, अब दुनिया मानती है कि आने वाले 15-20 सालों में भारत विश्व गुरु का काम करेगा। आज भी हम लोगों ने देखा G20 में सारे अफ्रीका के देशों ने प्रधानमंत्री जी को यह कहा कि हमारी बात अगर कोई विश्व के सामने रख सकता है तो आप रख सकते हो, इसलिए हमने सबने मिलकर आपको नेता के रूप में चुना है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि केवल ये प्रधानमंत्री मोदी जी को नहीं चुना तो भारत के शाश्वत विचार को उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आज चुना है और धीरे धीरे दुनिया भी यही करेगी, इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि वो भारत को विश्व गुरु की ओर ले जाने का जो एक सिलसिला है उसकी शुरुआत हो चुकी है।